ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स ने 111 सिटीज़ को रैंक किया था ईज़ ऑफ लिविंग के बेसिस पे कि कौन सी रहने लायक है। तो पुणे नंबर 1 पे आया, फिर नवी मुंबई, फिर ग्रेटर मुंबई, ये सिटीज़ हैं ठीक है। 79 इंडिकेटर्स थे जिसको 4 कैटेगरी में बटा गया। पहला था इंस्टीट्यूशनल, 25% वेटेज थी और इसमें टॉप किया नवी मुंबई ने। दूसरा था सोशल, 25% वेटेज थी, इसमें टॉप किया त्रिपुरा ने। तीसरा था इकोनॉमिक, सिर्फ 5% वेटेज था और टॉप किया चंडीगढ़ ने। फोर्थ था फिजिकल, 45% वेटेज था और ग्रेटर मुंबई ने टॉप किया। अब एक चीज़ और है, इस मेथड जो इन्होंने यूज़ किया उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज लगाए गए। जैसे उन्होंने बोला कि पब्लिक सर्विस तो आपने इंक्लूड ही नहीं करी इन चारों पैरामीटर में से ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली सिटीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक यूनिट नहीं होती, स्टेट्स होती हैं, तो आपने क्यों लिया है इकोनॉमिक इंडिकेटर को, लेना नहीं चाहिए था। अब न्यूज़ में इसलिए क्योंकि अमृत ने भी जो अमृत के अंदर सिटीज़न को रैंक किया है इसी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के उस पर लग करा वही, सॉरी अमृत के अंदर जो सिटीज़न को रैंक किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ने ही करा है, और उसमें टॉप किया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में। कॉन्टेक्स्ट ये है कि पहले सिटीज़ को रैंक किया गया, सेम सारी चीज़ें रहीं और अब स्टेट्स को रैंक किया गया।